So hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to talk about SFM paper. So 3 November को आपका SFM का paper है और इसकी planning 1.5 days की जो strategy होनी चाहिए ये हम discuss करेंगे sir इस वाले video में. जल्द से जल्द मैं ये discussion खत्म करूँगा ताकि आप अपने पढ़ाई पे वापस लग सकें. So step by step मैं आपको बताऊँगा sir. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है, मैं भी CA final में जब था तब भी मैं ये बोल सकता हूँ कि जब एक दिन पहले पेपर आता है तो हमको ये लगता है, आपको भी ये लग रहा होगा कि मेरी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्या होगा एग्ज़ाम में. इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो फिर भी अगर ये फीलिंग आती है तो हमको थोड़ा सा बुरा लगता है. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, आप अकेले ऐसे नहीं हो. ऑलमोस्ट सारे के सारे लोगों के दिमाग में यही चीज़ चली है. CA फाइनल में मेरा रैंक आया और मैं फिर भी आपको ये बोल सकता हूँ और मेरे को कोई शर्म नहीं है सर ये बोलने में कि एक दिन पहले तक मुझे भी यही लग रहा था कि सर अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है. तो पढ़ाई कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती. अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले कि हमने 100% प्लानिंग की थी लेकिन 80% ही अचीव हुआ, वी शुड बी हैप्पी इनफ कि हमने 80% अचीव किया बिकॉज ऑफ दैट प्लानिंग. ज़रूरी नहीं है सर 100% का 100% अचीव होना चाहिए. सो अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि सर मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, बिंदास रहिए, ये जो ख्याल दिमाग में आ रहा है, ये जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ये ख्याल आपका अननेसेसरी है, आपको ये चीज़ दिमाग से हटा देनी चाहिए. किसी की भी तैयारी पूरी नहीं होगी सर, किसी की भी नहीं होगी. दूसरी चीज़, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो कि सर ठीक है जो हुआ सो हुआ, अभी तक मैंने जितनी प्रिपरेशन की है उसके भरोसे मैं लिख के आऊँगा और मैं कमाल करके आऊँगा. ये चीज़ जब आप खुद को बोलोगे कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, अगर आप ये चीज़ बोलते हो खुद को तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस अंदर से आता है सर कि सिचुएशन कैसे भी हो हम हैंडल कर लेंगे. ठीक है, सो ये दो तीन चीज़ें होनी चाहिए. दूसरी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सर, कोई भी नया मटेरियल ना पकड़े. दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, नॉट एन एडवाइस, बट दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ कोई भी नया मटेरियल ना पकड़े, कोई नया क्वेश्चन ना देखे, नथिंग न्यू एट दिस टाइम. कुछ भी नया पकड़ेंगे और कहीं पर अगर आपको आप अटक गए तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा. सो आपने जिस भी टीचर की क्लासेस ली थी उन्हीं टीचर के नोट्स लीजिए, इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल लीजिए, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लीजिए, RTP लीजिए और MTP लीजिए, जितना आपने किया है. अगर आपने आपको लगता है कि यार मैंने प्रैक्टिस मैनुअल छोड़ दी, अब हाथ मत लगाओ. अगर आपको लगता है कि सर आपने क्लासेस के नोट्स को प्रॉपरली नहीं किया, अब हाथ मत लगाओ. कोई एकदम से लिस्ट नहीं पता चलती है कहीं से आखिरी मोमेंट पे, तो अब हाथ मत लगाओ. ये सारे डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट है जो आपका टाइम खाएंगे. सो जिस मटेरियल से आपने जितना भी पढ़ा हो सर उसी पे ध्यान दें, कोई नई चीज़ मत पकड़ो, पहली चीज़. अब बात करते हैं सर 6 बजे से लेके प्लान की. तो मैंने प्लान प्रॉपरली नोट करके रखा है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप एक पेपर और पेन ले और उस पर ये चीज़ें लिख ले जो मैं आपको 2 मिनट के अंदर में ये चीज़ बताने वाला हूँ. सबसे पहले जब आप FR के पेपर के बाद आएंगे सर तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप ऑलरेडी FR का पेपर दे के आए हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है. कहीं पे भी इन सब चीज़ों का आप डिस्कशन ना करें 6 बजे से लेके. डिस्कशन जितना भी करना है बाद में करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी इन सब से रिलेटेड न्यूज़ फैल रही हो या कोई वीडियोज़ उसके बाद में आ रहे हो, प्लीज़ अवॉइड एनीथिंग. मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बोल रहा हूँ अवॉइड करने के लिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं खुद भी SFM के पेपर एनालिसिस का वीडियो डालूंगा. मैं कोशिश करूंगा कि 5 से 6 के बीच डाल के उसको ख़त्म कर दूं ताकि आप 6 बजे से ऑडिट के पेपर के लिए आगे बढ़ जाए. बट 6 बजे के बाद प्लीज़ आप कोई और सब्जेक्ट का वीडियो ना देखें, खुद FR का वीडियो मत देखना. तो SFM का पेपर है, 6 बजे से आपको तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा ईजी तरीके से शुरुआत कीजिए. यहाँ पे मैं आपको इजी तरीके से शुरुआत करने बोल रहा हूँ ताकि आपकी लिंक बैठेगी, FR को भूलने में आसानी होगी और SFM को पकड़ने में धीरे धीरे आपको मदद मिलेगी. तो सबसे पहले सर आप शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. मैं आपको 1 घंटा देता हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा लो उसका, 6 बजे से 7 बजे तक लिख लो पेपर पे. पहला चैप्टर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इसमें से 4 मार्क की थ्योरी पक्की है सर. 1 घंटे में 4 मार्क आप पक्के कर सकते हो, गो अहेड विद दैट थिंग. ये हो गया. उसके बाद में 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर लेना है. याद रखें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नाम का चैप्टर डिलीट हो चुका है, तो गलती से भी आप पढ़ रहे होंगे या नोट्स में होंगे तो उसको वहीं पर रहने, तो पढ़ो मत उसको क्योंकि वो चैप्टर डिलीट हो गया, नहीं आएगा. तो 2nd चैप्टर अब आ गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, किसी किसी की बुक में 3rd चैप्टर होगा. तो रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है. इसमें वैल्यू एट रिस्क पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा सर, 4 मार्क से 8 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है.
इंस्टीट्यूट के बुक में सिर्फ दो क्वेश्चन है, हमने 11 क्वेश्चन कवर किए हुए थे। अगर आपने मेरी क्लासेस की है तो भी वो क्वेश्चंस को रेफर कीजिए, अगर नहीं की हुई है तो गलती से भी कोशिश मत कीजिए उन क्वेश्चंस को ढूंढने की, इंस्टीट्यूट के दो क्वेश्चन करोगे तो भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। सो एक घंटा है, इसमें से एक थ्योरी या तो 4 मार्क की आ सकती है या तो 4 या 8 मार्क का एक वैल्यू एट रिस्क पे क्वेश्चन आ सकता है। 7 बजे से 8 बजे तक आपने किया, 8 बजे से 9 बजे तक। अभी 8 से 9 का मैं प्लान बताता हूँ आपका कहाँ गया। हाँ, 8 से 9 का प्लान है सर सिक्योरिटी एनालिसिस का, इस पर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा चांसेस है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में ऑलरेडी इस पर 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ऑल दिस पे। तो चांसेस है सिर्फ 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को अवॉइड कर सकते हो 8 से 9 बजे तक का जो मैं टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और एक घंटे में इतनी सारी थ्योरी कवर करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सर 9 से 11 बजे तक, यानी कि अब मैं 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ आपको, इसी के बीच में आपको लंच तो हो गया आपका, डिनर आपको करना है, कुछ चाय पानी लेना था या फिर नाश्ता करना था या फिर किसी से बात करनी थी, तो इसी के बीच आपको करना है, मैं आपको एक्स्ट्रा गैप नहीं दे रहा हूँ। सो 10-10, 5-5 मिनट निकाल के ही आपको ये सब चीज़ें करनी है 9 से 11 बजे तक। पहला था 6 से 7 पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर था रिस्क मैनेजमेंट का 7 से 8 बजे तक, 8 से 9 बजे तक आपका सिक्योरिटी एनालिसिस, 9 से 11 बजे तक आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन लेके बैठना है, पहला सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, इसमें जैसे कि आपका राइट वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन, प्रिफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन और 2-3 नए कॉन्सेप्ट जैसे कि कॉन्वेक्सिटी आ सकता है, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन आ सकता है, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में आपको कवर करनी है। सो 2 घंटे के अंदर में ध्यान रखिए सिक्योरिटी वैल्यूएशन खत्म हो जाना चाहिए, इस पर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, थ्योरी एक्सपेक्ट मत करो। 2 घंटे में आप देखो इतने 70-80 क्वेश्चन होंगे, आप मेरी क्लास के नोट्स में थे, किसी टीचर्स की और आपने क्लास की होंगी तो सबके नोट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं क्वेश्चंस में, तो सारे के सारे क्वेश्चन करने के पीछे मत जाना सर। आपके पास में या तो पहले से मार्क किए हुए होने चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई थी वो अगर आपने रेफर किए तो उतने ही क्वेश्चन या उसके आसपास के क्वेश्चन आपको नंबर्स में करने हैं। 2 घंटे में जितना हो सकता है उतना, बेवकूफ़ी ना करें डिटेल में पढ़ने की, 2 घंटे में तैयारी नहीं हो सकती सर, मैं आपको बता सकता हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन कभी नहीं हो सकते, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। तो 2 घंटे में जितना होता है होता, 11 बजे छोड़ देना, छोड़ना ही है, ये मान के चलो कि 11 बजे आपने वो चैप्टर छोड़ देना, उसी हिसाब से आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। 11 बजे आपने ये किया, अब मैं 11 से 11:30 बजे तक का प्लान बता रहा हूँ, सिर्फ आधे घंटे का। अब देखो आप बहुत थक चुके हो, FR का पेपर था, उसके बाद में 4 चैप्टर आपने निपटा लिए, उसके बाद आप थक चुके हो और आप में ना आपका आप में भले ही ताकत होगी, आप भले ही डिसाइड कर लो, लेकिन आपका माइंड जवाब दे देगा और रिटेन करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही इजी सा चैप्टर पकड़ो, स्टार्टअप फाइनेंस, आधे घंटा है आपके पास में ये स्टार्टअप फाइनेंस कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है अभी तक तो वही चीज़ वापस पढ़िए, चार्ट्स रिवाइज कीजिए या तो, और तीसरा चीज़ मैं बोल रहा हूँ रिविजन वीडियो स्टार्टअप फाइनेंस का रिसेंट में डाला था, 40 मिनट का वीडियो है, 1.5 या 2 की स्पीड में आप 20 मिनट में उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो उसमें भी सब कुछ कवर कराया गया है सर। उतना कर लिया ना, 4 मार्क कन्फर्म है, स्टार्टअप फाइनेंस के 4 मार्क कन्फर्म है। तो जितना मैंने अभी अभी बताया है ये 5.5 घंटे का प्लान था, 11:30 बजे सर आप बढ़िया सा दूध पी के सो जाना, मम्मी आपको दे देगी, ठीक है। 11:30 बजे आप बराबर सो जाना, 5.5 घंटे का प्लान है। देखो नींद आ जानी चाहिए कैसे भी करके, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, मोबाइल फ़ोन्स कम इस्तेमाल करो, और अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप टाइम पास कर रहे हो तो दूसरे दिन आप बहुत लेट उठोगे। तो 4 मार्क यहाँ कंफर्म हो गए, मैं 4 यहाँ पकड़ के चल रहा हूँ, 4 यहाँ पकड़ के चल रहा हूँ, 12 और 8 20 और 4 24, तकरीबन हमने 24 से 25 मार्क का प्रोविज़न कर लिया है। दूसरे दिन सुबह होगी सर, सुबह आपको 6 बजे उठना है, अगर आप 11:30 बजे सोते हो तो आप 5:30 बजे भी उठ सकते हो, 5 बजे उठो, 5:30 बजे, 6 बजे उठो, दूसरे दिन आपको 6 बजे उठना है। मैं प्रोविजन लेके चल रहा हूँ पूरे के पूरे 6.5 घंटे के नींद का, इससे कम की नींद आपको अफेक्ट करेगी प्रिपरेशन में। आपको लगता होगा आप बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हो लेकिन आपकी नींद कम होने की वजह से रिटेन करने में आपको तकलीफ होगी, फूड पे, हेल्थ पे और नींद पे, स्लीप, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम है, सर मैं इस बार में 2-2 घंटे सोया था, ऐसे ऐसे जो एग्जाम्पल आपको मार्केट में मिलते होंगे, प्लीज़ अवॉइड दैट, नींद पूरी होनी चाहिए। तो 6 बजे उठो सर, 6 बजे यानी कि 5:30 बजे उठो सर, और सबसे पहला चैप्टर, क्योंकि अब फ्रेश दिमाग है, लिंक बैठ चुकी है, सबसे पहला चैप्टर आप पकड़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 6 से 8:30 बजे तक का मैं टाइम दे रहा हूँ, लिख लो अपने बुक में, 2.5 घंटे का टाइम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, तकरीबन 20 क्वेश्चन आप कर लो, जल्दी होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना याद रखना 8:30 बजे आपको छोड़ना ही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर। 8:30 से 9:30 यानी कि अब 1 घंटे में आपको करना है सर सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर, 4 मार्क कन्फर्म,
ये जो थ्योरी का मैं कुछ पोर्शन बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पास होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर है, एक घंटे का टाइम है आपके पास में, या तो वीडियो देख लो या तो फिर आप सर थ्योरी पढ़ लो जो आपके पास में है, या चार्ट्स के थ्रू रिवाइज कर लो, एक घंटे में पॉसिबल है। तो एक घंटा क्या, आधे घंटे में हो जाता है। सो चार मार्क यहाँ पे 8.5 से 9.5 हो गए, जल्दी ख़त्म कर लिया। मान लो आपने 30-40 मिनट में, 15-20 मिनट में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, चाय वाय जो भी आपको करना है। म्यूचुअल फंड 9:30 से 11 बजे तक मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड के लिए। 1.5 घंटा थोड़ा ज़्यादा है, आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो। 9:30 से 11 बजे तक आपको म्यूचुअल फंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 से 12 मार्क इस पर कन्फर्म है सर, 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटा। उसके बाद आप 11 बजे लेके बैठेंगे डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ये है 11 से 1.5 बजे तक का टाइम, इसमें मैंने कितना 2.5 घंटे दिया है, इसमें टाइम ज़्यादा दिया है। क्वेश्चन फिर भी आप, मैं मान के चलिए, 12 से 15 मार्क के ऊपर में नहीं आएंगे, बट इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 2.5 घंटे को कम से कम कर करके आप मान लो 1 बजे तक, यानी 2 घंटे में कवर अप कर सकते हो, आधा घंटा और लंच में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो 1.5 बजे तक, 11 से 1.5 बजे तक आपको डेरिवेटिव एनालिसिस करना है। इसके बाद सर उसी से रिलेटेड चैप्टर है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, जो 1.5 से 2.5 बजे के बीच में करना है, 1:30 से लेकर 2:30। सो 1:30 से 2:30 में आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 घंटा दे रहा हूँ लेकिन 8 मार्क्स सर कन्फर्म है इस पर। इसके बाद में आपका सर शुरू होगा, अच्छा 2.5 बजे के बाद ना मैं 1.5 घंटे का सीधा ब्रेक दे रहा हूँ। अब आपको ब्रेक लेना है लो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सर थोड़ा सा नैप ले लो, रेस्ट कर लो, सो जाओ, जो आफ्टरनून में सोने वाले होते हैं 1.5 घंटे, 1 घंटा सो जाओ, आधा घंटा थोड़ा फ्रेश होने में लगता है, माइंड थोड़ा सा वापस तैयार होता है, और अब करो आप फॉरेक्स शुरू। देखो मैंने हर जगह आपको जो पॉइंट बताए हैं, सबसे पहले FR के पेपर के बाद, दूसरे दिन सुबह उठने के बाद, और अब फ्रेश माइंड पे मैंने डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आपको पहले डाल दिए, और जब डिफिकल्ट थोड़ा सा माइंड पुराने पेपर से आया था तब मैंने आपको ईजी चैप्टर्स डाले। तो ये सारा प्लान्ड है कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा ऑन एन एवरेज, उस हिसाब से मैं आपको चैप्टर्स अलॉट कर रहा हूँ। सो आप यू कैन ब्लाइंडली फॉलो दिस। फॉरेक्स का चैप्टर लो सर, फॉरेक्स का चैप्टर 4 से 7.5 बजे तक, मैं 3.5 घंटे दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने फॉरेक्स के चैप्टर को दिया है 3.5 घंटे। इसमें बहुत वैरायटी है, सो ध्यान देके इसको रिवाइज भी करना है, इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ना है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अराउंड 20 से 25 के आसपास होने चाहिए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। हर जगह जो आप रिवीजन कर रहे हो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी आ रहे हैं सर, हर कॉन्सेप्ट के एक एक दो दो क्वेश्चन आने चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग एक ही चैप्टर के पूरे क्वेश्चन, सर सारे चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो, ठीक है। सो 7:30 बजे तक आपका फॉरेक्स हो गया, इसी के बीच में आपको कुछ खाना पीना था तो आपने किया। 7:30 से 8 बजे तक सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर करने में, सिर्फ आधा घंटा इसलिए दिया, या तो आपके पास पहले टाइम बचा होगा तो आप उसमें से ले सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर में क्वेश्चंस कुछ बड़े हैं, अगर आपने स्टडी मटेरियल देखा होगा या कहीं और, तो क्वेश्चंस बड़े हैं और इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। एग्ज़ाम में भी अगर आया तो आपको आखिरी में सॉल्व करना है। चलो एग्ज़ाम के टिप्स मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। 8 बजे के बाद में 8 से 9 बजे तक 1 घंटे में आपको कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का चैप्टर करना है, और उसके बाद करना है सर 9 से 11 में मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स का चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इट विल टेक टाइम। सो 2 घंटे मर्जर को, 1 घंटे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को, इस तरह से आपके सारे चैप्टर खत्म हो गए। और आप ध्यान देंगे सर, अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक चीज़ इंश्योर कीजिए कि जो टाइमिंग आपने लिखा है उसी टाइमिंग पे आप उस चैप्टर को क्लोज कर दें। ऐसा नहीं कि सर अभी और मैं 1 घंटा दे देता हूँ फॉरेक्स बाकी है तो मैं वो वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ। चैप्टर छोड़ने के बजाय, दूसरे चैप्टर्स को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय, इस चैप्टर को जितना हुआ उतना करो सर और आगे बढ़ो। प्लान गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर आपने एक 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 घंटा अगर स्टार्टिंग के चैप्टर्स में खींच लिया ना, तो आपका मैं बताता हूँ शाम तक दूसरे दिन का जो शाम है वहाँ तक आप बहुत पीछे रह जाओगे। और जब अगर आपको पता चल जाता है ना माइंड में कि 5-6 घंटे पीछे चल रहा हूँ, तो हम पैनिक करने लग जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और अब हमारा आगे का समय भी बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम ख़त्म तो चैप्टर छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे टाइम बचा तो वापस ले लेना वो चैप्टर हाथ में, बट जो टाइम है उस टाइम पे उसी चैप्टर को करने का। 11 बजे तक हुआ काम, आप 11:30-12 बजे तक आपको रिवाइज करना है, 1 घंटा और पीरियड ले लो, कुछ चीज़ें छोटी होगी उसको कवर अप करने का। दूसरे दिन सुबह उठने का फ्रेश, 6 से 8 बजे तक 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ सर। इस 2 घंटे में आपको 3 RTP निपटानी है, नवंबर 19 की, मई 19 की और नवंबर 18 की, ये 3 RTP निपटाइए। उसके और 1 घंटे बाद 8 से 9 बजे तक आप मॉक टेस्ट पेपर निपटाओ, पिछले 3 नवंबर के, मई के और नवंबर के।
मैं कोशिश करूँगा कि इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ यूट्यूब के, तो जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसकी मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको डाउनलोड करने में आसानी हो, बार बार ढूंढना ना पड़े, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब ये RTPs करनी है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि पुरानी RTP जैसे नवंबर 18 की हो गई या मई 19 की RTP में से अब पूछा जाएगा नवंबर 19 में। गुड इनफ। 9 बज गए सर, 9 बजे से 11 बजे तक का 2 घंटे का टाइम है सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का। कैसे? अब क्वेश्चंस भी नहीं करना सर, अब आपको करना है चार्ट्स से रिवीजन। चार्ट्स होंगे, फॉर्मूला शीट्स होगी, समरी नोट्स होंगे, हर टीचर का अपना कुछ ना कुछ तो होता ही है, वो चीज़ें आप रेफर करो सिर्फ और सिर्फ, और वो 2 घंटे में कवर अप करो फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ याद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम। आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आपको 11 बजे निकलना पड़ेगा सर, अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आप 12 बजे भी निकलो तो भी आप एक बजे तक पहुँच जाते हो, 12:30 एक बजे तक भी निकलो तो भी पहुँच जाते हो। तो इट्स ऑल अपॉन यू कि आप बाकी का टाइम का क्या करते हैं, कुछ चीज़ें छूट गई तो उसको सॉल्व कर सकते हो उस टाइम में। अब मैं और 2-3 चीज़ें बताता हूँ। क्वेश्चंस जब भी कर रहे हो इन 1.5 दिन में, लिख लिख के मत देखो। आप बोलोगे कि सर राइटिंग करना ज़रूरी है, नो सर, आप अब यहाँ पे ऑडिटिंग करो, क्योंकि जितनी राइटिंग करनी थी अब पहले करने की, अब आपके पास में समय नहीं है कि लिख लिख के देखोगे। हाँ, कुछ कैलकुलेशंस करके देख लो कि सही लग रहा क्या, ऐसे नहीं कि 4+5 9 लिखा है तो हमने 9 मान लिया। यू डू इट ऑन कैलकुलेटर बट डू नॉट राइट इट एनीवेयर, यू जस्ट कन्फर्म कि जो दिया है वो सही है कि नहीं, जो प्रोसेस आपको पता है वो सही है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम पे छोड़ना है आपको, जैसे टाइम खत्म हुआ ये भी मैंने बता दिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बाहर का अवॉइड करना। अब मैं बताता हूँ आपका जो पेपर शुरू होगा 145 का, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सर, पढ़ो थोड़ा उसको और तभी डिसाइड कर लो माइंड में कि इजी क्वेश्चंस कौन से हैं। 3 घंटे पहले तो आपके पास 2 साल थे, 2-2.5 साल, फिर 1.5 दिन था और अब सिर्फ 3 घंटे। टाइम कम होता जा रहा है और इम्पोर्टेंस उस टाइम का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 3 घंटे में आपको ये डिसाइड करना है सर कि आपने क्या करना है। अगर आपने इतने टाइम तक 2-2.5 साल तक पढ़ाई कर ली और 3 घंटे में अगर ढंग से प्लानिंग नहीं कर पाए, नर्वस रहे, पैनिक हो गए, तो सर इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं होगी। बाहर आके ये दिखाने कि मैं इमोशनल हो गया, मैं ब्लैंक हो गया, मैं नर्वस हो गया, मैं पैनिक कर गया, ये बोलने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, लोग सुन लेंगे और चले जाएंगे, लेकिन नुकसान आपको होगा पूरे 6 महीने का। सो यहाँ पे स्मार्ट बनना ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात तो सर टेंशन नहीं लेना, पूरे टाइम पे ऐसे प्रिटेंड करो कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे, नथिंग बिग इज देयर, ठीक है। थोड़ा सा खुद को ये समझाने की कोशिश करो, तो वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मेरे लाइफ का, ये सब चीज़ें ना थोड़ा साइड में रखो, ये बहुत इमोशनल चीज़ हो जाती है। इमोशंस अटैच मत करो यहाँ पे, इमोशंस को साइड में रखो, खुद को सोचने का समय मत दो। उस 3 घंटे में सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं, जितने हो सके सारे इजी क्वेश्चंस करो। कोई भी क्वेश्चन में अगर अटकते हो आप, ध्यान देना मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन में अटकते हो तो उस पर 2 मिनट सोच लो, लेकिन 3रा मिनट मत दो, आप आगे बढ़ जाओ जगह छोड़ के, बाद में जगह छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में टाइम मिला तो हम वापस इस पे आएंगे। आपके पास में इतना समय नहीं है कि 10 मिनट उस पे सोचो और फिर अरे नहीं आ रहा मेरे को, मैं आगे चले जाता हूँ, आप टाइम वेस्ट कर चुके हो ऐसे टाइम। 2 मिनट के ऊपर देना नहीं है सोचने में, आगे बढ़ जाओ, इजी 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 क्वेश्चन सारे पहले करो और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आखिर में रखो, दूसरी टिप हो गई। तीसरी टिप बता रहा हूँ सर आपको, 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने के पीछे रहना, 100 का 100 मार्क कैसे भी अटेम्प्ट करना है, कुछ भी लिख के आओ, इसका मतलब गाने नहीं लिख के आने का है सर, हमको नहीं आता तो मैं इसमें गाना लिख के आऊँगा, ठीक है। आपको जितना भी आता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो भी SFM के बारे में आता है उसमें लिख के आ जाओ। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, यार मेरा 90 मार्क्स का तो पेपर सॉल्व हो गया, 10 मार्क्स का ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे को 2 लाइन तो आ रही है लेकिन 3री लाइन नहीं आ रही, आप 2 लाइन लिख के आओ और 3री लाइन SFM से रिलेटेड ही, आपको जितना आपको लगता है कि यार ये सही हो सकता है तुक्का मार के आओ, लेकिन 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना सर, मैं बता रहा हूँ, अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो ना तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस केस में आपके। सो 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है, इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है सर आपने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या ऐसे कोई बड़े क्वेश्चंस आते हैं 12-12 मार्क के, सबसे आखिरी में रखना उसको सॉल्व करने को। आपको भले ही लगेगा कि आप जल्द से जल्द 12 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको डिस्ट्रैक्ट करें, बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं, तो बीच में अटक जाते हैं हम और उसमें फिर हमको मिलते कितने 2 मार्क और 3 मार्क्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन क्वेश्चंस को बाजू में रखो, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना 4 मार्क के 6 मार्क के 8 मार्क के, इन सबको पहले सॉल्व करो,
और जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, सबका अपना अपना ना कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर होता है, उस चैप्टर के क्वेश्चन तो पहले करना, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस होता है उन सब में, पटाखे आज भी फूट रहे, हम सबको उनमें कॉन्फिडेंस होता है, तो वो पहले करना। तो अब मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आपका खुद को पता है कौन सा चैप्टर है वो। इस तरह से सर आपको कदम करना, याद रखें सबसे बड़ी गलती आप जो करने वाले हो, मैं अभी से बोल रहा हूँ ये चीज़, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। इनफैक्ट मुझसे भी होती है, आई एग्री ऑन दैट थिंग, मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, बच्चे मुझे बताते हैं तब मुझे समझ में आता है। तो कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को कम किया जा सकता है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते बट कम ज़रूर किया जा सकता है। मैंने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम किया। तो इसका एक तरीका क्या है, एग्ज़ाम में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में थोड़ा सा टाइम बचाओ, 15 मिनट या कुछ तो भी, एक क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो फटाफट 2 मिनट में उसके ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करके वापस देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं गलती होगी तो आपको वो पकड़ में आ जाएगी। बट जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि हम ख़त्म करने के बाद पेपर में बाहर तो आ जाएंगे, हमको लगेगा हमने बहुत सही कर लिया, बट जब मार्क्स आते हैं तो वी गेट डिसहार्टन्ड कि हमको कम मार्क्स क्यों आए। आप पेपर बुला के देखना, जिन जिन ने भी आप में से पेपर बुलाए होंगे उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी वहाँ पे, कुछ कुछ जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक या बहुत ही सीली सा मिस्टेक आपने कर दी। तो माइंड उस टाइम पे रहना चाहिए स्टेबल, नर्वस नहीं होना, पैनिक नहीं होना। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ये आपके गाइडेंस के लिए हैं, प्रेशर मत लो इन सब चीज़ों को, जितना सही लगता है उतना ही मेरे इस वीडियो में से उठाना। आपको किसी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई दोस्त हो, कोई यार हो, कोई फैमिली हो, आप अपने गोल पे कंटिन्यू करो, एफर्ट्स थोड़े और कंटिन्यू करो, बहुत नज़दीक तो हम पहुंच ही चुके हैं। अब आपका वक्त आ गया है सर, जो आप इतने साल से करना चाहते थे, 2-2.5 साल आपने इतनी जो मेहनत की है, लोगों ने आपको गाइड किया है, इस चीज़ का वक्त आ गया ये चीज़ दिखाने का। एंड सिर्फ आपको खुद को नहीं, आपको अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को ये न्यूज़ एक दिन देनी है कि सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। दिस फीलिंग जब हम दूसरों को बताते हैं, हमको खुद को तो होती ही है खुशी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमको कब होती पता है, जब मैं एज अ स्टूडेंट मेरे पेरेंट्स को बताने, मैं एज अ स्टूडेंट मैं मेरे टीचर्स को बताता हूँ कि मैं सर सीए बन गया आपके गाइडेंस के अंदर में, मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ, तो मेरे को रियलाइज़ होता है कि इन लोगों ने जो मेरी मदद की है आज तक, इसका रिजल्ट मैंने ला के दिखाया है। सो इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स द एंटायर थिंग, entire world who is looking at you. All the best for your paper and I hope you will give me a good news. We'll see you again on YouTube after the SFM paper with SFM paper analysis. Bye bye for now. This is Mayank Kothari.